क्या हो रहा है ये ड्रामा, क्या हो रहा है, घर का क्या किया हुआ है, क्या ये है, क्या हो रहा है ना ऐसा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे क्यों कर रही है, रो क्यों रही है, बता हुआ क्या है, मुझे बताओगी, घर को कितना नाश कर रखा है तुमने। हाँ फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 2। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये बज रहे हैं रात के 2:03, ये देखो फ्रेंड्स, और अभी ज्यादा हो गया, हाँ आधे घंटे से ज्यादा हो गया लाइट गए, हाँ और फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमारी सोसाइटी की पूरी लाइट नहीं है, आधे घंटे से ऊपर हो गया, और हमने कम्प्लेन भी की है, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि सुबह 4 बजे आएगी लाइट, तो फ्रेंड्स बच्चों को भी बहुत देर से नींद आ रही थी, मेरे तो हाथ दर्द हो गए इनकी हवा करते करते, परेशान हो गए, और अब हम निकले हैं बाहर, ऐसे ही थोड़ा सा घूम लेंगे और बच्चे थोड़ा सो जाएंगे, तो बस ऐसे ही 1-2 राउंड लगाएंगे कि 4 बजे तक अपना टाइम काटना है कैसे भी करके, तो फिलहाल चलते हैं अभी बाहर ऐसे ही। अभी हम आए थे बाहर और अभी हमने लिया है वाली ड्रिंक, ये बहुत टेस्टी है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कभी होता नहीं है कि जब हम बाहर आए और कुछ खाए ना हो या फिर पिए ना, तो वाली ड्रिंक बहुत टेस्टी है, मैंने पूरी खा चुकी हूँ मैं, और खाने के भी है पीने के भी है, और अभी बस ये लास्ट बची थोड़ी सी, बहुत अच्छी ड्रिंक है, और साथ में फ्रेंड राइज जो पीछे बैठे मम्मा, मम्मा फ्रेंड्स मैंने अपने लिए फ्राइड राइस मंगाया है, और क्या करें आके भूख लग गई इतनी जोर से, क्योंकि खाना वाना तो खाया था लेकिन अब फिर से भूख लग गई, तो अब दोबारा से नायसा भी खा रही है, टियाना ने खा लिया, देखो ये भी जगी हुई है, बताओ कल स्कूल है फ्रेंड्स इन लोगों का, नायसा का भी स्कूल है, टियाना का भी, लेकिन अब क्या करें जब हम 4 बजे तक ही बाहर रहेंगे, क्योंकि 4 बजे ही लाइट आने वाली है, अब देखते हैं फिर जाएंगे या नहीं, मुझे तो लग रहा है कि 90% तो चांसेस नहीं है इनके जाने के, लेकिन फिर भी 10% चाहेंगे तो भेज भी सकती हूँ अगर ये चाहेंगे तो, बट ये मना कर रहे हैं जाएंगे नहीं कल स्कूल, हमारी तबीयत भी खराब लग रही है, क्योंकि नींद ही नहीं लेंगे तो फिर स्कूल में नींद आ जाएगी, और मैं तो पैर में दर्द हो रहा, ट्रैकिंग कैसे करूंगी पता नहीं। अभी आए हैं हमारे फ्राइड राइस, अभी बहुत टेस्टी है, चलो इसको फिनिश करते हैं और देखते हैं हमें अभी इससे और खाने की हिम्मत है हमें या नहीं। अभी बज चुके हैं 3:30 AM और आप देख सकते हो अभी भी हम बाहर ही हैं, बिकॉज अभी भी हमारी लाइट जो है नहीं आई और पूरी सड़क खाली पड़ी है, इतना मजा आ रहा है ना आगे बैठने में, और इतना मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा, बारिश भी हो गई थी तो बहुत पानी पानी भी हो रखा है कई कई जगह पे, और कई कई जगह तो ऐसी है जो सूखी पड़ी है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और अभी भी हम बाहर ही घूम रहे हैं। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 4:15 और अब आ चुके हैं हम घर, और बस अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि अभी हमारी लाइट आ चुकी है, और फ्रेंड्स काफ़ी रात हो गई है और मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, और अब बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे, दोनों बच्चों की होगी छुट्टी, क्योंकि नायसा को जाना है 7 बजे उठना है, तो वो भी नहीं जा पाएगी, 2-3 घंटे में नींद पूरी नहीं होगी, स्कूल में जाकर नींद आ जाएगी, तो इसलिए उसकी छुट्टी होगी। टियाना की देखती हूँ, अगर मेरी आँख खुल गई तो ज़रूर मैं टियाना को भेज दूंगी, अदरवाइज टियाना की भी छुट्टी हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी आँखों से लग रही नहीं है कि मैं इतनी जल्दी उठ भी पाऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। जैसे कि रात वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइट गई थी, और फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं कि घर आने के बाद, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हम 4 बजे घर आए हैं, घर आने के बाद 5 बजे फिर से हमारी लाइट चली गई फ्रेंड्स दोबारा। मैं उठी, 1 घंटा हो गया, क्योंकि नींद इतनी ज्यादा आ रही थी, 1 घंटा हो गया, 5 बजे मैंने देखा अलार्म, मैंने कहा हैं 5 बजे फिर से लाइट, और मेरे पास मैसेज आ गया कि दोबारा तुम्हारा पावर कट हो गया। इतना गुस्सा आ रहा था फ्रेंड मेरे को, इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि 4 बजे हम घर आए हैं, तब से हम बैठे हुए थे, हम सोए नहीं, और इतनी नींद थी आंखों में, और बच्चों का तो स्कूल वैसे भी आज फ्रेंड्स कैंसिल ही हो गया, क्योंकि सोए नहीं, उठ नहीं पाएंगे, जब सोए नहीं नींद पूरी नहीं हुई तो उठ ही नहीं पाए, तो इस वजह से आज का मतलब रात का जो टाइम था ना वो बहुत ही खराब था फ्रेंड्स सच में, और इतने पसीने, इतनी गर्मी, और बाहर जा रहे थे तो सुबह 5 बजे जा रहे थे तो मच्छर मक्खी इतने ज्यादा लग रहे थे और बारिश जैसा माहौल हो रखा था। तो फ्रेंड्स आज बच्चे घर ही हैं और अभी हम फिलहाल कर रहे हैं लंच,
और इसके बाद हमें अभी जाना है मार्केट फ्रेंड्स। फटाफट हम कर रहे हैं लंच और उसके बाद हम निकलेंगे मार्केट के लिए। फ्रेंड्स लंच में है रायता, मटर पनीर और रोटी। फ्रेंड्स मार्केट के लिए रेडी होने ही लगी थी, बाहर आके देखा तो इतनी तेज बारिश हो रही है। देखो फ्रेंड्स इतनी तेज बारिश हो गई कि अब जाने लायक ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को लेके जाना था मुझे रिक्शे या ऑटो से, अब पॉसिबल ही नहीं है जा पाया। शाम को देखती हूँ, अगर शाम को रुक गई तो जाऊँगी, अदरवाइज आज का प्लान कैंसिल करके, नहीं तो मैं कल ही जाऊँगी फ्रेंड। सीरियसली बहुत तेज बारिश है। स्विमिंग पूल बन गया, देखो फ्रेंड्स कैरियट आना यहाँ स्विमिंग पूल बन गया। थोड़ा थोड़ा पानी आया, स्विमिंग पूल नहीं आया, पर बारिश काफी तेज हो रही है सच में, है ना टियाना? हाँ चलो चलो अंदर चलो, मच्छर आ जाएंगे टियाना। फ्रेंड्स जब से अभी तक बारिश आ रही है अभी तक बंद नहीं हुई बारिश, और हमारा बाहर जाने का प्लान था वो भी हमारा अभी फिलहाल के लिए कैंसिल हो गया है, और अभी बच्चों को लगी है भूख तो अब मैं इनके लिए बना रही हूँ पास्ता। सो फ्रेंड्स अभी मैंने फिलहाल इनका बना दिया है पास्ता, मैंने टियाना को दे भी दिया है। फ्रेंड दो दिन से टियाना मुझे बोल रही थी पास्ता खाना है पास्ता खाना है, तो अब मैंने इसके लिए बना दिया। नाइसा आपको चाहिए पास्ता? टियाना बताएगी। चलो फ्रेंड्स पहले टियाना के पास चलते हैं। कैसा बना है टियाना? टेस्टी? कैसा शौच डालिए तो अच्छा लग रहा है। आपको मिर्च लग रही होगी ना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा। नाइसा आपको भी दे दूं? हाँ। पहले अपना काम खत्म कर ले फिर ले लियो। चल ठीक है मैं दे देती हूँ जब तक ठंडा हो जाएगा, ठीक है? देखो अभी इनकी लड़ाई चल रही है। क्या हो रहा है ये ड्रामा, क्या हो रहा है? घर का क्या किया हुआ है, क्या है ये है? क्या हो रहा है ऐसा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे क्यों कर रही है, रो क्यों रही है, बता हुआ क्या है मुझे बताओगी? घर को कितना नाश कर रखा है तुमने। हाँ ना तू ना पिट जाएगी इस पे। हाँ क्या ना मैं शॉर्ट्स की वजह से घूम रही है, मैं तो पकड़ रही हूँ आपको, मैंने बोला था कि मम्मा मैं शॉर्ट्स में घूम रही है, फिर आपने ऐसे मारने वाले ऐसे वैसे भाग कर। बस सारा दिन शोर मचाते रहते हो, थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या? नो, लड़ाई करते रहते हो अभी, फिर अभी कान पे पड़ गया ना फिर आराम से रोती रहेगी। देख ले पापा को बुला के लेकर आ, पापा को बताती हूँ अभी तुम दोनों को। फ्रेंड्स देखो फिर शुरू हो गए ये दोनों ना मेरे हाथों से, ये देखो दोनों पिटोगे तो मेरे हाथों से, क्या चल रहा है ये? वो तो गिर गई ना ऐसा, वो गिर जाएगी उधर, तू भी मर गई। हाँ सुनती नहीं है बड़ी होने के बावजूद कुछ ना ऐसा, तू तो बड़ी है तू तो समझदार है, तू तो समझ जाएगा कुछ। तो निक्कर का क्या करना है, पहनना है तुझे? तो मान ही नहीं रही है वो, टियाना देख 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 लग जाएगी देख। टियाना गलत बात होती है ना ऐसे करने, बार बार ही दीदी को क्यों परेशान करते रहते हो, फिर आपकी वजह से दीदी को डांट पड़ती है। अभी दीदी को पिटाई भी मारती है। हाँ दीदी की पिटाई होती है, अभी भी लगा है ना एक चाटा दीदी के, गलत बात होती है, आप ऐसे क्यों करते हो बेटा? वो देखो अब बस इसको कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर बोले तो गुस्सा होके बैठ जाती है। बताओ क्या हुआ है, गलती तो आप ही की है ना, आप ही तो ऐसा करते हो। कोई बात नहीं फिर हम ये आ गई मुझे मारने, ये देखो फ्रेंड्स मम्मा को मारने आ गए हो आप, मम्मा को मारने, ये कौन सी बदतमीजी है। कोई बात नहीं ना ऐसा, चॉकलेट मिलेगी कल तेरे को बड़ी वाली, और इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा ठेंगा थम मिलेगा, ये वाला थम इसको देखो। नहीं आपने मारा है ना मम्मा को? नहीं नहीं पहले सामने जाओ, सामने जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, सॉरी बोलो पहले मम्मा को, हाथ पकड़ के कान पकड़ के बोलो। कोई बात नहीं तो ये दीदी से ले लेना, मम्मा से मत लेना, ओके? सॉरी करो फिर मम्मा को, फ्रेंड्स के सामने सब बोलो कि मैं मम्मा को सॉरी बोल रही हूँ। देखो फ्रेंड्स क्या होती है ना ऐसे। फ्रेंड्स आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।